हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। अक्सर ही बच्चे छोटी और बड़ी ई की मात्रा के बीच में बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज के इस क्लास में मैं आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करने वाली हूं, इसलिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये है ई, आपने पढ़ा होगा। इससे ई से क्या होता है, इमली। इसे छोटी ई कहते हैं क्योंकि इसमें ई का जो साउंड आएगा वो छोटा आएगा, शॉर्ट में आएगा ई। ये है ई, इसे बड़ी ई कहते हैं। इससे क्या आपने पढ़ा, ईख, लॉन्ग में खींचा। ई के साउंड को आपने लंबा किया है, ई को बोलने में कम समय लगता है और ई को बोलने में लंबा लगेगा ई, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है इसलिए इसको थोड़ा बड़ा बोलेंगे, और ये छोटी की मात्रा है, छोटी ई है सॉरी, इसे थोड़ा छोटा बोलते हैं। तो जब किसी भी व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगेगी, मीन्स छोटी की मात्रा लगेगी, तो उस व्यंजन के साथ ई का साउंड जुड़ेगा, मीन्स उस व्यंजन को हम ऐसे शॉर्ट में छोटे में बोलेंगे, जैसे ये है कि। और जब बड़ी की मात्रा लगेगी तो उस व्यंजन को भी इसी तरह से हम लॉन्ग खींचेंगे की। ई की मात्रा लग रही है तो उसी सेम तरह से बोलेंगे। इसकी मात्रा देखिए किस तरह से लगती है। ई की मात्रा मीन्स छोटी की मात्रा अक्षर से पहले लगेगी। अक्षर से पहले एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे और व्यंजन के स्टैंडिंग के लाइन के साथ इस तरह से हम इसको मिला देंगे। ये दिख रहा है आपको, ये एक स्टैंडिंग लाइन अक्षर से पहले खींचा गया और एक इसको इस तरह से इसकी स्टैंडिंग लाइन पर मिला देंगे और इसको आप क्या बोलेंगे, की। और बड़ी की मात्रा अक्षर के बाद स्टैंडिंग लाइन लगेगी और व्यंजन की स्टैंडिंग लाइन से इस तरह से मिला दिया जाएगा और बोला जाएगा की। ये हो गया की, ये हो गया की। ऐसे समझने के लिए है कि छोटी की मात्रा जो होती है अक्षर लेफ्ट हैंड साइड में लगती है, मीन्स बाईं ओर, और बड़ी की मात्रा राइट हैंड साइड में, मीन्स दाईं ओर लगती है। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए है कि अक्षर से पहले छोटी की मात्रा लगेगी और बड़ी की मात्रा अक्षर के बाद लगेगी। जब छोटी की मात्रा किसी भी व्यंजन पे लगेगी तो उसका साउंड शॉर्ट होगा, छोटा होगा, और बड़ी की मात्रा को लगने पे साउंड बड़ा हो जाएगा की। एक और तरीका है इसको समझने का, की मीन्स सांस जो है, जब ई की मात्रा लगेगी तो सांस अंदर की ओर जाएगा की, और जब बड़ी की मात्रा लगेगी तो सांस जो होगा आपका जो की थोड़ा रिलैक्स उसमें लॉन्ग में जाएगा की। तो इस मात्रा को आपको अच्छी तरह से समझना जरूरी है क्योंकि थोड़े से मात्रा के डिफरेंस मीन्स मात्रा गलत लगने से शब्द का अर्थ जो है मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। चलिए कुछ और शब्दों पे लगा के समझते हैं। जैसे ये छोटी की मात्रा लग रही तो कि, खि, गि, चि, चा पे लगा तो चि, छि, जि, इस तरह से बोलेंगे, और बड़ी की मात्रा को लगाने पर की, खि, गि, घि, चि, छि, जि। कुछ शब्दों को देखते हैं, जैसे ये बा पे अगर बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा लग रही है तो इसको बोलेंगे बी, और ना बिन, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा अगर लग रही है इस पे तो बी ना बीन। ये माँ है, छोटी की मात्रा लगी तो इसे बोला जाएगा मी ला मिल, और ये मी ला मील। आप मेरी पिछले वीडियोस में मैंने अलग अलग दोनों ही मात्राओं की वीडियो बनाई हुई है, अपलोड की हुई है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं उस। और ये है दी ना दिन, दी ना दीन। जिस भी अक्षर पे देखिए मात्रा लग रही है तो वो लॉन्ग में चला जा रहा है, अगर छोटी की मात्रा है तो शॉर्ट, और बड़ी की मात्रा है तो ई का साउंड लॉन्ग में हो जा रहा है। दी ना दिन, दी ना दीन। मैंने कुछ और शब्दों को लिखा है जिसमें दोनों ही मात्राएं आई हैं, ठीक है, देखते हैं, चलिए सीखते हैं। ती, ये क्या है, ता है तो छोटी की मात्रा इस पे तो इसको बोलेंगे ती ता ली, समझ में आ रहा, ती ता ली, तितली। बी ज ली, बिजली। आपको का से ज्ञा तक एक बार सभी व्यंजनों पे छोटी की मात्रा और एक बार बड़ी की मात्रा लगा के आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो तितली, बिजली। सी पा, पा पे आ की मात्रा है तो पूरा माउथ ओपन करके पा बोलेंगे, सी पा ही, सिपाही। शी कारी, शिकारी। भी खारी, भिखारी। पी चा पिच कारी, पिचकारी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कुछ शब्दों को और बुक से भी पढ़ते हैं ताकि आपका और भी कंफ्यूजन दूर हो। ती ला, देखिए तापे यहाँ पे, ये चीज समझिए, तापे यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो इसे बोलेगा ती, और यहाँ पे ताक पे बड़ी की मात्रा है तो ती लॉन्ग में हुआ। तिल, इसको बोलेंगे तीर। बी ना बिन, और इसे पढ़ेंगे बीन, बी और ना बीन। मी ला मिल, मी ला मील।
की ला, किला, की ला, कील, दी या दिया, दी या दिया, पी ला पिला, पी ला पीला। ओके, तो ये आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बच्चों।